नशाबंदी करने की रैली कड़ी जा रही है तो साढ़े स्कूल वाले भी साढ़े सानू इत्थे ले आए दे ते अस रैली च आए दे आ ते मैं इयो आखना चाहना कि जेडे भी नशे है सानू नहीं करने चाहिए क्योंकि जेड़ी साड़ी आने वाली पीढ़ी है उहे साढ़े इस देश का भविष्य है जे अस गे नशे करन लगी आंगन ते जेड़े अहे देश कियां संभालना मैं सारे जेड़े भी साढ़े युवा ने बच्चे ने सारे जेड़े पढ़ा ने साढ़े मैं सारे हुणे इयो आखना चाहूंगा कि सानू नशे नहीं करने चाहिए क्योंकि अस गे इस देश का भविष्य है ते अहे देश नू संभालना है। भारत माता की जय। देखिए रैली का जो मकसद है वो ये है कि जम्मू कश्मीर बुरी तरह से ड्रग में फंसा चला जा रहा है तो एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम एक अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए हमने सोचा है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो हमारा मुस्तकबल है जो हमारा फ्यूचर है इसको बचाने के लिए हमें जागृति और अवेयरनेस कैंप्स करने पड़ेंगे तो हमने श्रीनगर के तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम किए हैं और आज जम्मू में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मकसद बस ये है कि जिन बच्चों पर जो हमारा बच्चा है इसी पर कल सियासत होगी कि कौन मंत्री बनता है कौन सा ओहदा लेता है। जब यही बच्चे हमारे खतरे में पड़ रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों के मुंह चुप क्यों हैं, ये मेरा सवाल है उनसे। तो दूसरा ये है कि अभी तक ये जो अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है जम्मू कश्मीर के लिए कि पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन को एक जवाब मिलते हुए ये पता चलता है कि 10 लाख से ज़्यादा हमारे बच्चे ड्रग के शिकार हो चुके हैं तो हमारी पार्टी ये इनिशिएटिव ले रही है। एक तो हम अवेयर कर रहे हैं, दूसरा ये कि हम आज पेरेंट की हैसियत से बच्चों के सामने खड़े हैं ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बल्कि बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो हमारा फ्यूचर है इसको बचाने के लिए हमारी पार्टी अगर कोई बच्चा ड्रग में है तो उसको हमारे किसी भी श्रीनगर या जम्मू के ऑफिस में या किसी भी कार्यकर्ता से मिलाइएगा, हम उसको दोबारा एडिक्शन करके सोसाइटी का एक जिम्मेदार शहरी बनाएंगे, ठीक है ना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।